अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साइड में आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो मसला है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पेश आ रहा है इजी पैसा की ऐप्स में से ऊपर, या आप ये कह सकते हैं कि इजी पैसा अकाउंट के ऊपर। दोस्तों, कोई भी अपने इजी पैसा अकाउंट को लॉगिन करता है या कोई काम और करता है और अपना पिन कोड इंटर करता है, तो उसके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है कि यूर जो अकाउंट है या जो आपका मोबाइल नंबर है, ये यानी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, ये ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी की वजह से। दोस्तों, ये इशू क्यों आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये इशू आता क्यों है, ताकि फिर आप ये गलती ना करें या दूसरे लोग ये गलती ना करें। अगर आपको ये इशू आ चुका है तो इसका सलूशन क्या है वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन पहले मेरी आपने बात ये सुनी है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल या आपका अकाउंट है, इसके ऊपर कुछ ऐसी स्पेसिफाइक एक्टिविटी हुई है, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो इजी पैसा जो कंपनी है उनके कुछ रूल हैं जो उनके खिलाफ है, ठीक है। आपने कुछ गलत एक्टिविटी की है जिसकी वजह से जो आपका मोबाइल फ़ोन है ये आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया, ठीक है। दोस्तों, ये आप इस बात को अपने रहना, आपका जो मोबाइल है वो ब्लॉक किया गया। दोस्तों, ये कैसे ब्लॉक किया गया? दोस्तों, वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि ये जो अकाउंट है ये आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर चल रहा है, तो आपके IMEI नंबर जो होता है मोबाइल फ़ोन का, उस IMEI नंबर के ऊपर से अकाउंट को ब्लॉक कर लेते हैं। आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं लेकिन वो ब्लॉक ही दिखाई देता है, ठीक है, तो वो इस तरह से ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? और आप दोस्तों अक्सर बात क्या करते हैं कि लोग के लालच में आकर ऐप्स के क्लोन बनाते हैं, ठीक है, क्लोन बनाते हैं, या अपने अकाउंट को बार बार उसका जो पिन कोड होता है वो चेंज करते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से दोस्तों ये एक्टिविटी होती है और आपका मोबाइल फोन जो है वो लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपने ये करना क्या है, इसको कैसे आपने सॉल्व करना है? दोस्तों, ये आपने किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के पास भी चले जाएँ वो ये प्रॉब्लम आपको हल करके नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो आम लोग होते हैं उन तक ये नहीं वो उसको सॉल्व कर सकते। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, ये इसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आपके नज़दीक फ्रेंचाइज है, तो यानी कि जो ट्रेनोर के ऑफिशियल, जैसे कि मोबली जैस का माइक्रोफ्रांसिस बैंक होता है, इस तरह ट्रेनोर का भी एक तरह का अपना बैंक है, अगर वो आपके नज़दीक है तो वहाँ पर भी आप इस मसले को हल कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक बैंक वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो इजी पैसा की जो हेल्पलाइन है उसके ऊपर आपने कॉल करनी है। तो सब लोगों को इजी पैसा की जो हेल्पलाइन है उसका पता है, तो आपने वहाँ पे कॉल करना है, उनको आपने कॉल करके ये करना है। लेकिन दोस्तों, कॉल करने से पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखना है, ठीक है, आपने उनको सब डिटेल बतानी है कि मेरा इस तरह से जो अकाउंट है वो ब्लॉक है, तो आप उसको ऑन कर लें। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या आप बाकी हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको जो मोबाइल है वो दोबारा से अनलॉक कर देंगे, तो मे भी हो सकता है कि वो आपसे यहाँ पर टैक्स भी वसूल करें, यानी कि वो आपसे पैसे भी लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में क्लियर समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें।